नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। आज मैं आपको भगवान कौन और कैसे इस विषय पर प्रसारण कर रहा हूँ। आइए जानते हैं भगवान कौन और कैसे। धन्यवाद साथियों। कि भगवान शब्द की खोज क्यों, कैसे और किस रूप में हुई। दूसरा अर्थ है कि भगवान बुद्ध की अपनी मौलिक खोज क्या थी। साथियों, भगवान शब्द अतिशय प्रिय है और ये इतना प्यारा शब्द है कि ढोंगियों और कूप मंडूकों ने इस भगवान शब्द को दुराचारियों, बलात्कारियों, अनाचारियों, पाप आचार्यों, हिंसकों, दुष्टों, जानवरों, पक्षियों एवं अनैतिकता को बढ़ावा देने वाले व्यभिचारियों के साथ फिट कर रखा है। जबकि यह भगवान शब्द बुद्ध का पर्यायवाची शब्द है। संसार भर के बौद्ध भगवान बुद्ध को निम्न प्रकार के 9 गुणों के साथ प्रतिदिन याद करते हैं। वो 9 गुण कौन से हैं? तो वो 9 गुण है, इति पीसो भगवा अरहम सम्मा संबुद्धो विद्याचरण संपन्नो सुगतो लोकविदु अनुत्तरो पुरिषदम सारथि सत्था देव मनुष्यनाम बुद्धो भगवती। अर्थात एक बुद्ध भगवान है, दो बुद्ध अरहत हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने आंतरिक समस्त अरियो अपने समस्त शत्रुओं को जैसे काम, क्रोध, लोभ, द्वेष, मोह इन पांचों को हत यानी मार दिया था। तीसरे, बुद्ध सम्यक संबुद्ध थे। क्यों? क्योंकि अपने उन्होंने बोधिसत्व रूप में अनेक जन्मों में पारमिताओं का पालन करते हुए वे अंततोगत्वा बुद्धत्व को प्राप्त हुए थे और उन्होंने बुद्धत्व प्राप्त किया था। जय भीम, जय भारत, जय मानवता, जय विज्ञान, जय संविधान। भाई दिनेश कुमार LLM जी को मेरा सादर जय भीम। चौथा गुण, बुद्ध विद्याचरण संपन्न थे। ये जो शब्द आया विद्याचरण संपन्न, बुद्ध विद्याचरण संपन्न थे, अर्थात वे पूर्णतः शील में प्रतिष्ठित थे, इंद्रियों में संयत थे, भोजन में मात्रज्ञ थे, सदैव जागरणशील थे, श्रद्धावान थे, हीवान थे, अपतप्र थे और अपतृप्र से युक्त थे, पूर्णतः बहुश्रुत थे, वीर्यवान थे, स्मृतिवान थे
पूर्णतः प्रज्ञावान थे, प्रथम ध्यानवान थे, द्वितीय ध्यानवान थे, तृतीय ध्यानवान थे, चतुर्थ ध्यानवान थे, अर्थात भगवान बुद्ध चारों रूप वचर ध्यानों में पूर्णतः परिपक्व थे। भगवान बुद्ध सुगत थे, अर्थात वे पूर्णतः सुगति को प्राप्त थे। छठा गुण, बुद्ध लोक विदु थे, अर्थात लोक लोकांतरों के जानकार थे। बुद्ध अनुत्तर थे, अर्थात वे अतुलनीय थे, उनके जैसा तुलना में कोई नहीं था। संसार के समस्त प्राणियों में भगवान बुद्ध शील, समाधि, प्रज्ञा, त्याग और तपस्या के क्षेत्र में सबसे आगे थे। साथियों, आठवां गुण, बुद्ध सारथी के समान थे। बुद्ध ऐसे सारथी थे जैसे बिगड़ैल घोड़े को सारथी सही रास्ते पर लाता है, ठीक इसी प्रकार बुद्ध राग, द्वेष, मोह तथा लोभ में फंसे लोगों को सही रास्ते पर लाने वाले थे। जैसे अंगुलीमाल, नालागिरी हाथी तथा आलवक यक्ष इसके ज्वलंत उदाहरण हैं। और आठवीं बात, नौवीं बात, बुद्ध देव यानी एक जाति का नाम तथा मनुष्यों को शिक्षा देने वाले थे। देव मनुष्यराम, अर्थात वे देव और मनुष्यों के उत्तम सत्ता गुरु यानी शास्ता गुरु यानी सतगुरु, अर्थात उनके आचार्य, उनके शिक्षक थे। ये मेरे द्वारा जो नौ गुण बताए गए हैं, ये समस्त नौ गुण भगवान बुद्ध में थे। बुद्ध के लगभग 1000 वर्ष बाद आचार्य अमर सिंह जी ने अपने अमरकोश में भगवान शब्द को बुद्ध का पर्यायवाची लिखा। वो लिखते हैं, प्रथम कांड स्वर्ग स्वर्ग वर्ग श्लोक 8-10 में कि सर्वज्ञ सुगतो बुद्धो धर्मराजस्थातः तथागत समंत भद्रो भगवान मार जिल्लो कजिन कजी किजिन षड्भिज्ञो दस बलो द्वैवादी विनायका मुनीद्र श्रीधन शास्ता मुनि शाक्य मुनिस्तूय गौतम चार्क बंधुश्च माया देवी सुतस्य। अर्थात बुद्ध के पर्यायवाची नाम इस प्रकार हैं, सर्वज्ञ, सुगत, बुद्ध, धर्मराज, तथागत, समंत भद्र, भगवान, मार्जित, जिन, षड्भिज्ञ, दस बल, विनायक, मुनीन्द्र, श्रीधन, शास्ता मुनि, शाक्य मुनि, शाक्य सिंह, सर्वार्थ सिद्ध, शुद्धोदनी, गौतम, अर्कबंधु, मायासुत। साथियों, मेरे प्यारे दर्शकों, आप देख रहे हैं कि केवल भगवान बुद्ध के लिए ही आता है कि भगवान बुद्ध के अनेक पर्यायवाची शब्दों में एक भगवान शब्द भी है, जो केवल बुद्ध के लिए ही आता है, किसी अन्य के लिए नहीं। तीसरी चौथी शताब्दी में ही आचार्य बुद्ध घोष ने भगवान शब्द को व्याख्यायित किया और उन्होंने अपने अनुपम कीर्ति विशुद्धि मग में लिखा, क्या लिखा, भगवती वचनम सेठम भगवती वचन मुत्तम गरु गारव युत्तो सो भगवान तेन मुच्चति। अर्थात भगवान शब्द अति उत्तम है,
ये गौर वर्णीय के योग्य गौरव से युक्त है, इसलिए बुद्ध भगवान कहे जाते हैं। भग रागो भग दोषो भग मोहो अनासवो भगास पाप का धम्मा भगवा तेन गुच्छति, अर्थात भग रागोती भगवा, जिसने राग को भग्न कर दिया, इस अर्थ में भगवान। भग रागोती भगवा, जिसने राग को भग्न कर दिया, इस अर्थ में भगवान। भग दोषोती भगवा, जिसने द्वेष को भग्न कर दिया, इस अर्थ में भगवान। भग मोहोती भगवा, जिसने मोह को भग्न कर दिया, इस अर्थ में भगवान। अनासवो भगवा, जिसमें कोई आश्रव, कामाश्रव, भवाश्रव, अविद्याश्रव, दृष्टिआश्रव नहीं, इस अर्थ में भगवान। भग्गा से पाप का धम्मा, जिसने अभिमान को चकनाचूर कर दिया, इस अर्थ में भगवान। भग दीक्षिति भगवा, जिसने समस्त अनर्गल दार्शनिक मान्यताओं का खंडन कर दिया, इस अर्थ में भगवान। भग कंड कोती भगवा, जिसने समस्त कंट का कीर्ण मान्यताओं को खत्म किया, इस अर्थ में भगवान। भग किलो सोती भगवा, जिसने समस्त क्लेशों को भग्न किया, इस अर्थ में भगवान। आचार्य बुद्ध घोष ने भगवान शब्द की व्याख्या करते हुए आगे लिखा, भागी भजी भागी विमतत्वा इति एकासी भगंती गरुती भाग्यवा बहु ही आ नाही सुभावित सत्तनो भवंग तंगो सो भगवाती उच्चति, अर्थात भागो मतलब भग अर्थात ऐश्वर्य को प्राप्त करने वाला, जो अनिमा महिमा लधिमा प्राप्ति प्राक्राम्य इसित्व तथा वसित्व को प्राप्त हो, उसे भगवान कहते हैं। भजी जो एकांत शयनासन के सेवन करने वाले हो, उसे भगवान कहते हैं। भागी जो धम रस अर्थ रस तथा विमुक्ति रस का पान करने वाले यानी प्राप्त करने वाले हो, उसे भगवान कहते हैं। विभतव्वा जिसने लौकिक तथा लोकोत्तर धर्मों का विधिवत रूप से विभाजन किया हो, उसे भगवान कहते हैं। भगंती जिसने काम क्रोध लोभ द्वेष मोह और 108 प्रकार की तृष्णाओं को भग्न किया और उन पर विजय प्राप्त की, इस अर्थ में भगवान। भाग्यवा रूप काया तथा धर्म काया आदि के कारण भाग्यवान, इस कारण भगवान। गरुति सुभावित्तनो जो अनेक दुर्धर्ष प्राणियों यानी आलवक यक्ष नालागिरी हाथी और अंगुलीमाल जैसे हत्यारे को सच्चे मार्ग पर लाए और उन्हें समर्थ विपश्यना में निष्णात किया, इसलिए भगवान। भवंतगो भगवा संसार चक्र का भेदन करके प्रतित्य समुत्पाद जैसे कार्य कारण का आविष्कार करके महानिर्वाण तक पहुंचे, इसलिए बुद्ध ने ग्रह त्याग किया था, संसार त्याग नहीं, इस अर्थ में भगवान। साथियों, आचार्य बुद्ध घोष जी ने इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए लिखा है, क्या लिखा है जानिए। भाग्यवा भगवा सुतो भगे ही च विभत्तवा भत्तवा वंत गमनो भवेशु भगवा तातो, अर्थात तथागत भाग्यवान थे, राग द्वेष मोह काम आदि को भग्न करने वाले थे। भग अर्थात
ऐश्वर्य आदि धर्मों से युक्त थे और समस्त धर्मों को विभाजन करने वाले थे। भवों से वमन करते हुए गामन करने वाले हैं, अर्थात इसी संसार में विचरण करते हुए वे काम क्रोध आदि से अलिप्त थे, इसलिए वे भगवान थे। मजी बी बजी पवि बजी धम रतन थी भगवा, जिसने धर्म रतन का सेवन किया इस अर्थ में भगवान। भवानाम अंत करोति भगवा, जो भव संस्कारों का अंत करके निर्वाण तक पहुंचे इसलिए भगवान। भावित कायो भावित शीलो भावित चित्तो भावित पन्नो तिब गवा, अर्थात जिसने शील समाधि प्रज्ञा की भावना यानी साधना कर ली इस अर्थ में भगवान। भागी वा भगवा अरण वन पत्थानिम पंतानिम सेना सनानिम अपसद्दानिम अपनिग्गो धोसानी विजन वातानी मनुस्सहारा सेकानी पटिसल्ला ने तारुप्पा नीति भगवा, अर्थात जो अरण्य पथ जैसे निशब्द निर्घोष निर्जन मनुष्य जन असेवित ध्यान के उपयुक्त एकांत सेवन रूपी ऐश्वर्य के भागीदार हैं इस मायने में भगवान। भागी चै भगवा अथ रसस्य धम रसस्य विमुक्ति रसस्य और अधिशील अधिचित्तस्य अधिपन्ना याति भगवा, अर्थात जो अर्थ रस धर्म रस विमुक्ति रस अधिशील अधिसमाधि और अधिप्रज्ञा ऐश्वर्य के भागीदार हैं वे ही भगवान हैं। भार्गवा भगवा चतुर्नम ज्ञानम चतुर्नम अपमन्नानम चतुर्नम अरूप समापत्ति नीतम भगवा, अर्थात जो चार सामान्य ध्यान चार अप्रामाण्य विरम विहार ध्यान चार अरूप ध्यान समापत्तियों के भागीदार हैं वे ही भगवान हैं। आदरणीय धम्म बंधुओं को नमो बुद्धाय। जय भीम जय भारत जय संविधान।